बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में डेली सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्टार्टिंग से जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। सबसे पहले देखें आपके पास जो है वो आपका एक डेट का कॉलम होगा, उसके बाद जो है आपके यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट नेम्स होंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी उनके आपको यहाँ पर नेम मेंशन करने हैं। नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास होगा डिस्काउंट्स, क्योंकि जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उस पर आप ना कोई डिस्काउंट भी होगा तो डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। इसके बाद जो होगा आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी के बाद जो होगा यहाँ पर आपके पास नेट सेल निकालेंगे हम। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कॉलम के साइज को एडजस्ट कर लेते हैं कि जितना आपको यहाँ पर कॉलम का साइज रखना है आप अपने हिसाब से जो है वो उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है यहाँ पर डेट है, उस डेट को हम यहाँ मेंशन करते हैं, जैसे मैंने 1 फरवरी 2024 यानी कि मैंने यहां पर ऐड कर दिया 2024। अब इसी डेट को हम यहां पर कर देंगे ड्रैग। अभी देखिए यहां पर हमारे पास जो है वो 10 तक की डेट मौजूद है। आपके पास पूरे मंथली होगी तो आपके पास डेली बेसिस के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपका यहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर इस पूरे फॉर्मेट को यानी कि पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हम बॉर्डर देते हैं और टॉप हेडिंग्स जो होंगी इनको आप जो है डिफरेंट कलर से फॉर्मेट से आप सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर जो है वो आपको आपकी प्रोडक्ट मेंशन करनी है। अब जैसे हमारी प्रोडक्ट है, मैंने यहां पर लिखा सोप, उसके बाद मैंने यहां पर टाइप किया बटर और इसके बाद हमने यहां पर लिखा जैम, जेली, योगर्ट और इसके बाद यहां पर हम लिखते हैं हनी एंड इसके बाद यहां पर हम टाइप करते हैं बिस्किट्स, बिस्किट्स आ जाएंगे और इसके बाद फिर यहां पर जो है वो आपने ऐड करना है स्नैक्स और सेकंड लास्ट वन जो होगा यहां पर चॉकलेट एंड लास्ट वन जो होगा यहां पर आपके पास पास्ता। अब देखें यहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं तो फिलहाल हमने जो है प्रोडक्ट्स जो यहां मेंशन किए उसको यहां पर हम राइट डाउन कर दिया है। अब इसके बाद जो डिस्काउंट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है यहां पर डिस्काउंट मेंशन करते हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैं यहां पर जो है वो डिस्काउंट देता हूं 6%, यानी कि आपका जो डिस्काउंट है ऑल ओवर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 6% मिलेगा। अब नेक्स्ट जो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको एक और टेबल बनाना है जिसमें आपकी प्रोडक्ट की प्राइजेस मौजूद होंगी। अब उसको हम यहां पर कैसे मेंशन करते हैं कि जैसे मैं यहां पर प्रोडक्ट की जो है वो हेडिंग डाल देता हूं, कॉलम का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं हम यहां पर और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा यहां पर आपके पास आएंगी आपकी प्राइस और ये वाला एरिया इस तरीके से सेलेक्ट करके हम इसको दे देंगे बॉर्डर। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट लिखनी है। अब सेम प्रोडक्ट आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं और अगर आगे पीछे करके लिखनी है तो वो भी आप इसको इजिली लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहां पर टाइप करता हूं हनी, उसके बाद यहां पर मैंने टाइप कर दिया बिस्किट्स, नेक्स्ट जो होगा यहां पर आपके पास स्नैक्स आ जाएगा, स्नैक्स के बाद यहां पर आपको ऐड करना है चॉकलेट और इसके बाद चॉकलेट के बाद फिर यहां पर आप ऐड कर ले पास्ता। तो थोड़ा सा मैं ये आगे पीछे करके लिख रहा हूं ताकि जो है आपको जिस तरह भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना तो आप उसको इजिली कर सकते हैं। तो बटर लिखेंगे यहां पर, नेक्स्ट जो होगा आपके पास जैम हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे जेली और यहां लास्ट में लिखे हम योगर्ट। अब यहां हमने जो है वो इस तरीके से जो अपनी चीजें वगैरह है वो हमने मेंशन कर ली। अब याद रखिएगा स्पेलिंग जो होगी वो आपके बिल्कुल सही लिखिएगा। तो यहां मैंने योगर्ट जो है वो इस तरीके से YOU लगा दिया तो स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब प्राइजेस क्या होंगी वो प्राइस आपको लिखनी। अब जैसे मैंने यहां पर प्राइस 500 लिखा, यहां 150 लिख दिया, स्नैक्स हमने 50 कर दिया, चॉकलेट जो होगी हमने 200 कर दिया, पास्ता वो हमने कर दिया 800 और सोप यहां पर हमने कर दिया 300, बटर हमने कर दिया 550, जैम यहां पर हमने कहा 750, जेली 350 एंड योगर्ट जो होगा यहां पर आपके पास आप इसको 250 कर दीजिए। तो ये प्राइजेस वगैरह भी जो है ये आपको ऐड करना है। अब यहां आपको सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि आपका डिस्काउंट जो है वो कितना आपको प्रोडक्ट वाइज मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर आपने इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर राइट डाउन करना है। सबसे पहले देखें यहां पर आपके पास है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे आप, टेबल एरे पूछ रहे हैं तो टेबल एरे के लिए आपको ये सेकंड टेबल जो हमने बनाया था इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर, कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है, यहां आपकी प्राइजेस लेकर आनी है तो आपने यहां पर कॉलम नंबर 2 मेंशन करना है, उसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज।
अब मैं यहां इसी फॉर्मूले के साथ जब इसको एंटर करता हूं, तो एंटर करने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है यहां पर, 300। अब देखिए सोप है, अगर आप देखते हैं सोप की प्राइस क्या थी, 300 आ रही है, तो 300 हमारे पास प्राइस निकल के आ चुकी है। लेकिन हमारा जो कॉलम है इसमें हमें यहां पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, हमें चाहिए कि यहां पर जो आपकी सोप की प्राइस है उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 6%, वो यहां पर कैलकुलेट होके आए। तो आपने करना ये है कि इसी फॉर्मूले को एडिटेबल बनाना है, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में और अपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, और याद रखिएगा इसको आपने F4 से लॉक करना है। आपने इसको F4 से लॉक किया क्योंकि जब फॉर्मूला ड्रैग होगा तो ये सेल आपकी जगह से मूव नहीं करेगा। इस तरह आप यहां पर जो है वो टेबल एरे को भी जो है आप सिलेक्ट करके जो है F4 से लॉक कर लीजिएगा, और अब यहां पर आप इसको कर दीजिएगा एंटर। जैसे एंटर करेंगे अब देखिए यहां पर आ चुका है कि 18% यानी डिस्काउंट मिल चुका है, यानी कि 300 में से जो है वो आपको ₹18 का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डायरेक्टली क्या हुआ, कैलकुलेट डिस्काउंट कैलकुलेट होकर आ गया। इसको हम ड्रैग करेंगे यहां पर, तो इससे हमें सबके जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट होके मिल जाएंगे कि हर प्रोडक्ट का जो कितना डिस्काउंट मिल रहा है उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 6% जो है हमें डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आ गया। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी की। अब क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, यानी यहाँ लिखा 6, 9, 8, 7, 5, 6, 3, 4, 5, 8, तो कुछ भी क्वांटिटीज हो सकती है यहां पर। अब उसी तरह यहां पर आप निकालेंगे नेट सेल। नेट सेल आपको कैसे कैलकुलेट करनी, तो यहां पर थोड़ा सा आपको जो है वो फॉर्मूले को समझना है, तो इसलिए आपको यहां पर इक्वल लगाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेट सेल डायरेक्ट निकालेंगे जिसमें से हमारा डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा और हमारी जो एक प्रोडक्ट की प्राइस 300 थी, जैसे सोप की प्राइस 300 है, तो 6 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, तो उसकी जो नेट सेल होगी वो हमें यहां पर कैलकुलेट होकर दे। तो मैं उसके लिए यहां पर सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद एक और ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहां पर मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दूंगा। एरे के अंदर हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू में आपके पास यही सेल रहेगा जिसमें आपकी प्रोडक्ट सर्च होगी, तो ये सेल आपने सिलेक्ट करना है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे पूछ रहे हैं तो टेबल एरे के अंदर आपको यही टेबल जो है वो कंप्लीट आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने F4 से लॉक करना है। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स यहां पर प्राइस निकालनी है आपको, तो आपने कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट करना है। कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देंगे और ब्रैकेट हम कर देंगे यहां पर क्लोज। अब देखिए ये तो काम हो गया आपका वी लुकअप का, अब हम इससे प्राइस तो कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन हमें डायरेक्टली यहां पर नेट सेल निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने यहां पर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई आपने कर दिया है, अब उसके बाद आपने दो वैल्यूज को जो है आपस में माइनस करना है। कौन सी वैल्यूज को आप माइनस करेंगे, आपने यहां पर क्वांटिटी को माइनस कर देना है और आपकी जो डिस्काउंट वैल्यू होगी इसके साथ। उसके बाद आपने यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपके पास यहां पर आपने कर देना एंटर। जैसे ही आप एंटर कर देंगे यहां पर, तो देखिए यहां आपके पास नेट सेल निकल के आ चुकी है। अब इस फॉर्मूले को आपने करना है ड्रैग, जैसे आप ड्रैग करेंगे यहां पर तो यहां आपका जो पूरा नेट अमाउंट होगा वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेली सेल्स प्रोडक्ट जो होती रिपोर्ट होती है वो आप तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।